बहुत शुक्रिया ममता जी। अर्थ जगत यानी खबरें, फायदे की खबरें, विकास की। आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉपलाइन से। अब बेनामी परिसंपत्तियों की खरीद फरोख्त पर होगी परेशानी। संपत्ति की बाजार कीमत का 25% देना होगा जुर्माना, 7 साल की होगी जेल। बेनामी ट्रांजैक्शन बिल में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसी सत्र में विधेयक पारित होने की उम्मीद। बेहतरीन तकनीक वाली कंपनियों को 3 साल तक 30% लोकल सोर्सिंग के नियमों से छूट। एप्पल और ली को जैसी सिंगल ब्रांड कंपनियों को हो सकता है फायदा। भारत है दुनिया में स्मार्टफोन्स का सबसे बड़ा बाजार। बीते 2 सालों में एलपीजी सब्सिडी पर हुई 21,000 करोड़ रुपए की बचत। 3,34,00,000 फर्जी कनेक्शन से हर साल सरकार को लग रही थी करोड़ों की चपत। डीबीटी को मिशन मोड में सफल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और डीबीटी की तर्ज पर जो दूसरी सेवाएं होंगी अब पोर्टल के जरिए आम आदमी तक सुनिश्चित की जाएंगी। 1 अगस्त को डीबीटी पोर्टल की शुरुआत होगी। स्कॉलरशिप योजनाएं, मनरेगा की मजदूरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अब मिल पाएंगी इस पोर्टल के जरिए। और अब एक निगाह दुनिया भर के बाजारों पर। आपको बताते हैं कि अमेरिकी बाजार कल कैसे बंद हुए। अमेरिकी बाजार में जब डाउ जोन्स की बात करें तो 36 अंक ऊपर 18,593, S&P 500 2,173, नैसडेक भी 54 अंक ऊपर 5,090 के स्तर पर बंद हुआ। चलते हैं यूरोपियन बाजारों की तरफ, वहां भी तेजी का रुख देखा गया। 32 अंक ऊपर FTSE 100 और डैक्स 161 अंक ऊपर जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। एशियाई बाजार की अगर बात करें तो वहां भी आज तेजी का रुख लगातार जारी है। कॉस्पी काफी फ्लैट है। निके में करीब करीब 0.25% की बढ़त। हैंगशेंग भी 0.5% की बढ़त साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट टाइम्स जो कि सिंगापुर का बाजार, वहां पर भी बढ़त दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि भारतीय बाजार कैसे बंद हुए। बहुत अच्छी खबर आई। भारतीय बाजार 2016 के सबसे सर्वोच्च स्तर पर कल बंद हुए। BSE सेंसेक्स 128 अंक ऊपर 27,916, NSE का निफ्टी 8,566। और आज कुछ और भी बड़ी खबरें हैं। थोड़ी देर में जब हम लेकर के आएंगे बिजनेस मॉर्निंग, तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा एक बड़ा IPO है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अर्थ जगत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही।